नमस्कार, आज फिर से वेस्टी वेस्टी पर आप सभी के साथ एक नई समस्या के साथ। और हमारी आज की समस्या होगी हमारे स्नेल्स और स्लग्स। बहुत दिनों से बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे कि इस बारे में कोई वीडियो बनाओ। देखिए, छोटे छोटे शंख जैसे कीड़े हम सभी को परेशान करते हैं, खास करके अभी बरसात के मौसम में तो इनकी तादाद बहुत ही बढ़ जाती है। एक दूसरी वेराइटी होती है स्नेल्स की, कुछ इस तरह से। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, जैसे ही पूरा होता है तो 2-4-6 दिन में आपके पास वापस जरूर आऊँगी, इसके बारे में जानकारी शेयर करूँगी। और एक ये होते हैं हमारे स्लग्स। स्लग्स और स्नेल्स में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है, एक ही तरह के होते हैं, पर इनकी बॉडी में जो हमारे ये स्लग्स होते हैं, इनकी बॉडी में हमारा ऊपर से शेल नहीं होता है, बस इतना ही अंतर होता है, बाकी सब कुछ एक जैसा। पर यहाँ पर आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ ये छोटे वाले अपने शंख जैसे कीड़ों के बारे में। देखिए, सब भी परेशान रहते हैं वैसे तो, हालांकि आपका ये बहुत नुकसान नहीं करेंगे। कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारी नमी रहती है, कुछ अंधेरा जैसा रहता है, पौधों में बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं जाती, वहाँ पर ये आपको काफ़ी हद तक तंग करते हैं। जब थोड़े से बड़े होने लगते हैं तो पत्तों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कई बार आपको पत्तों को ऊपर भी दिख जाएंगे, पर बहुत ज़्यादा पत्तों को ऊपर आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ मिट्टी में आपको दिखेंगे। जब तेज़ धूप पड़ेगी, मिट्टी सूख जाएगी, तो अपने आप ये मर जाते हैं। बॉडी इनकी बहुत सॉफ्ट होती है, और इनको हम लोग मारने के लिए देखिए कुछ अपने घरेलू आइटम वेस्ट आइटम ही यूज करेंगे। और उनमें से एक आइटम आप ये ले सकते हैं अपनी पेंसिल की शेविंग्स। आपके यहाँ बच्चे होंगे, पढ़ाई लिखाई करते होंगे, पेंसिल भी यूज करते होंगे, तो आप बच्चों से बोलिए कि जब भी वो पेंसिल को शार्प करें तो ये मटेरियल रखते हैं, और आप इनको यूज कर सकते हैं अपने इन कीड़ों के लिए। चूँकि इनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो जब भी वो अपना खाना ढूंढने के लिए पत्तों के ऊपर आएंगे ना, पत्तों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, और जब इन नुकीले दांतों के ऊपर चढ़ेंगे ना, तो अपने आप को कीड़े मर जाएंगे। काफ़ी शार्पनेस होती है इस पेंसिल की कतरन में, तो आप भी अगली बार से जब भी आपके बच्चे यूज करें तो इस वेस्ट को आप ऐसे यूज करें अपने पौधों में। एक दूसरा आइटम आप ले सकते हैं अपने ये अंडे के छिलके, एग शेल्स। अब इनको हमें क्रश करना होगा। क्रश करने के लिए आप सूखे होंगे तो ऐसे हाथ से करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। इनका हमें बहुत बारीक चूरा नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटे मोटे टुकड़ों में हम लोग रखेंगे। तो जब इन छिलकों के ऊपर ये कीड़े चलेंगे तो इनकी बॉडी में चुभने चाहिए, इसलिए थोड़ा सा बड़े बड़े पीसेस में रखें। और बहुत ही हार्ड होते हैं ये छिलके अंडे के, तो जब इनके ऊपर चलेंगे तो इनकी बॉडी में भी वही सेम चुभेंगे और कीड़े आपके मर जाएंगे। इन दोनों चीज़ों के अलावा आप इनके लिए विनेगर और नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से पानी में थोड़ा विनेगर डालिए, घोलिए और इन पर छिड़काव कीजिए। ये मर तो जाएंगे, पर ज़रूरी नहीं कि जिस पौधे में आप विनेगर यूज कर रहे हैं उस पौधे को आप की एसिडिक मिट्टी पसंद हो, क्योंकि विनेगर आपकी मिट्टी को बनाएगा एसिडिक, तो उस पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकता है जिनको एसिडिक मिट्टी नहीं चाहिए। साथ ही साथ नमक का छिड़काव भी पौधों के लिए नुकसानदायक होगा। आपके पौधों को नमक नहीं चाहिए, तो उस केस में ये दोनों तरीके आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और बहुत जल्द अपने गार्डन से इन स्नेल्स को ढूंढ के लाऊंगी, दिखाऊंगी कि कितना नुकसान किया। उम्मीद है कि वीडियो काम का होगा, पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और ये ऑल का बटन ज़रूर दबाइए जिससे कि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।